इस वक्त की जो हुकूमत है वो फॉर्म 47 की हुकूमत है। आपकी मईशत इस काबिल नहीं है कि इसके साथ मजीद तजर्बात किए जाए। हम सिर्फ आइन पर खड़े हैं और हम सिर्फ अपना मैंडेट वापस चाहते हैं। इस हुकूमत के पास ना कोई अख्तियार है ना इनका कोई अखलाकी जवाज है कि ये हुकूमत करें या हमसे बात करें। आज अलकादर ट्रस्ट केस के ट्रायल की हेयरिंग थी। आज सुबह जब हम अंदर गए तो लास्ट डेट पे जो जज साहब थे मोहम्मद अली वडाई साहब, हमें उम्मीद थी कि वही जज होंगे, लेकिन हमें सरप्राइज़ मिला कि रातों रात जो है वो नए जज साहब ने चार्ज भी संभाल लिया, उनका नोटिफिकेशन भी हो गया और आज अदालत में वो तशरीफ़ लाए थे और वो प्रोसीडिंग्स के लिए तैयार थे। हमारी जानिब से हमारे जो लीड कौंसल हैं वो ज़हीर अब्बास साहब, उनकी तबीयत नासाज थी तो अदालत से रिक्वेस्ट की गई कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। और दूसरा, ख़बरें आ रही थी कि शायद चेंज किया जा रहा है जज साहब को और हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी जो है वो आप ज्वाइन कर लेंगे। आज केस की प्रोसीडिंग्स किसी तौर पर भी आगे ना बढ़ सकी और 7 अगस्त के लिए केस को जो है 7 अगस्त के लिए मुलतवी कर दिया गया। खान साहब ने आज जो पैगामात जारी किए हैं वो उनकी इंस्ट्रक्शंस पे आज ये बात यहाँ पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत अखलाकियात पर खड़ी होती और इस वक्त की जो हुकूमत है वो फॉर्म 47 की हुकूमत है, उसके पास कोई अखलाकी जवाज़ नहीं। जमहूरियत में मैंडेट का ख्याल किया जाता है, हमेशा वो लोग हुकूमत करते हैं जिनके पास मैंडेट होता है। इस जाली हुकूमत, ये फॉर्म 47 की हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई जवाज़ नहीं है। उन्होंने ज़िक्र किया कि कमिश्नर चट्ठा ने जो इल्ज़ाम लगाए थे वो तमाम इल्ज़ाम आज दुरुस्त हैं, आज वो साबित हो रहे हैं, आज वो रिकॉर्ड के ज़रिए जो है वो आपके सामने आ चुका है। उन्होंने फिर से मुतालबा किया कि कमिश्नर चट्ठा को सामने लाया जाए, उसका बयान रिकॉर्ड किया जाए और उसके ऊपर तहकीकात की जाए, क्योंकि जो उसने इल्ज़ाम लगाए हैं, जो हकायक उसने सामने लाए हैं वो हकायक बहुत सीरियस नौयत के हैं। तो अगर आप अपनी जमहूरियत और जमहूर के साथ ये रवैया रखेंगे तो फिर आपके मुल्क के अंदर इसी तरह का क्योस रहेगा और आपकी सबसे बड़ी जो इसकी फैक्ट्री है वो आपकी इकॉनमी होगी। आपकी मईशत इस काबिल नहीं है कि इसके साथ मज़ीद तजर्बात किए जाए। इसलिए खान साहब ने कहा कि हमने हमेशा बतौर सियासी जमात अपने आप को डायलॉग के लिए ओपन रखा है, हमारे दरवाजे खुले रहे हैं। हम सिर्फ 2 बातों पर जो है वो डायलॉग करना चाहेंगे अगर किसी ने करने हैं तो, जिससे भी डायलॉग होंगे वो 2 चीज़ें उन्होंने बिलखसूस कहीं कि हम आइन के दायरे में करेंगे और आइन की सरबुलंदी के लिए करेंगे। अब पावर हाउसेज जो जो हैं वहाँ वहाँ बात हो सकती है, लेकिन हम सिर्फ आइन पर खड़े हैं और हम सिर्फ अपना मैंडेट वापस चाहते हैं। 8 फरवरी का जो मैंडेट है उसकी वापसी अगर इस हुकूमत से होगी तो फिर इनकी हुकूमत गिर जाएगी। इसलिए इस हुकूमत के पास ना कोई अख्तियार है ना इनका कोई अखलाकी जवाज़ है कि ये हुकूमत करें या हमसे बात करें। हमने इनके साथ मल्टीपल टाइम्स डायलॉग भी किए लेकिन इनके अंदर जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं। इसके बाद उन्होंने बात की कि हम किसी भी इदारे के ऊपर जब तनकीद करते हैं तो उसका मतलब हरगिज़ नहीं होता कि हम उस इदारे के ख़िलाफ़ हैं, हम उसकी इस्लाह चाहते होते हैं। हम पाकिस्तान के हर इदारे को पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की तरक्की के अंदर किरदार अदा करे। खान साहब ने हमारे दोस्त जो बाहर खड़े थे शुएब शहीन साहब का उनको पता चला, वज़ीर साहब का उनको पता चला और बाकी दीगर जो हमारी टीम के लोग नादिया बाहर खड़ी हैं इनका पता चला, तो उन्होंने इन तमाम लोगों को सलाम पेश किया और इनको सलाम भेजा। अफसोसनाक है, हमने बार बार अदालतों से रिक्वेस्ट की है, अदालतों में हमारी पिटिशंस पेंडिंग हैं कि हमारी बड़ी तादाद को खान साहब से मिलना होता है, पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं और उनकी मुलाकात को जब कम किया जाता है और जब उनकी तादाद को कम किया जाता है, इस वक्त हमारे 2 अक्यूज अंदर हैं यानी खान साहब और बुशरा बीबी, और हमें सिर्फ 4 या 5 वकला को इजाज़त दी जाती है जबकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से कम व बेश 12-14 लोग आते हैं और एक पूरी टीम आती है। तो हमारी हमेशा से ये रिक्वेस्ट अदालत से भी रही है और इंतज़ामिया से भी कि हमारी ज़्यादा तादाद को इजाज़त दी जाए, ताकि क्योंकि ये ओपन प्रोसीडिंग्स हैं, मीडिया के भी 8-10 लोग आते हैं, तो अगर 8-10 लोग हमारी टीम में से भी चले जाएंगे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पर खुली जगह है। अगर किसी का कोई सवाल हो तो मैं
शुक्रिया। थैंक यू।